इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा मिस्टर अंशुल गर्ग। सर, पहले तो ये कि डंपिंग साइट का यहाँ पे इतना बड़ा इशू है, हाल ही में जो अभी जो हमें मालूम हुआ है कि आप लोगों ने उसके लिए इनिशिएटिव लिए हैं, तो कहाँ पे है और उसके उसके लिए जो काम है वो कितनी जल्दी हो सकता है शुरू? देखिए जी, जैसा हम सब जानते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत क्रूशियल इशू है हमारे लिए, और रिसेंटली भी ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी हमें डायरेक्शंस दी हैं, और डिवकॉम साहब ने भी बड़ी रिसेंटली एक मीटिंग चेयर की थी जिसके अंदर यही बेसिक हिदायत थी कि जो भी टाउन्स का सॉलिड वेस्ट है उसको बेहतर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए ताकि लोगों को और आवाम को कोई परेशानी ना हो। इसीलिए हमने एक नई एक डंपिंग साइट, जिसको हम कह सकते हैं एक लैंडफिल साइट, हमने बतरगाम में एक देखी है कुपवाड़ा म्यूनसिपैलिटी के लिए, जिसके अंदर हमें उम्मीद है, जो हमारी प्रीलिमिनरी असेसमेंट है, कि अगले 8-10 साल के लिए हमारी जो टाउन की प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। उसके लिए हमने R&B डिपार्टमेंट के थ्रू एक DPR का काम शुरू किया है, और म्यूनसिपल कमेटी और उनकी ओपिनियन को लेते हुए हमारी कोशिश रहेगी कि अगले हफ्ते 10 दिन में इसके ऊपर फाइनलाइज हम कुछ कर सके डिसीजन और काम शुरू हो सके। सर, ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट बारे में अगर हम देखें, रोड्स जो है, जो मेन रोड है, हाईवेज जो है, वो पूरी तरह से डिलापिडेटेड है, तो जो एजेंसीज है, कंसर्न एजेंसीज, वो तो उस पर काम भी नहीं कर रही हैं। अगर हम कुपवाड़ा से देखें, चौकी बल वाला या बाकी, तो उसके लिए तो कोई स्टेप, मतलब जो एजेंसीज है वो भी नहीं उठा रही हैं। रोड्स की डिलैपिडेशन, जी आपकी बात सही है, क्योंकि इस साल हमने देखा कि बर्फ़ भी काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड हुई थी, तो उसके बाद जो स्नो क्लियरेंस ऑपरेशंस हुए तो इस साल डैमेज थोड़े ज़्यादा हैं, जो आम ज़्यादातर सालों में नहीं होते हैं। तो उसके लिए जो सभी एजेंसीज के साथ हमने 2 या 3 बार कम से कम रिव्यू किया है, जिसमें R&B भी शामिल है, PMGSY शामिल है, और कुपवाड़ा में खास करके बीकन की काफ़ी रोड्स हैं। जैसे आपने चौकी बल की रोड की बात की, तो बारामूला से जो चौकी बल और फिर आगे टंगढार रोड जाती है वो बीकन के पास है, तो बीकन ने कुछ कुछ सेक्शंस में पॉट होल फिलिंग का काम शुरू किया है, लेकिन चूंकि टेम्परेचर्स इस साल राइज नहीं कर रहे हैं इसलिए मैग्नमाइजेशन का काम वो शुरू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि अगले हफ्ते में हम स्टार्ट करेंगे मैग्नमाइजेशन का भी काम, ताकि ईद के बाद बाद तक हमारा ज़्यादा काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। और लेकिन फिलहाल जो पॉट होल फिलिंग का काम है, जो गड्ढे भरने वाली बात है, वो कार्रवाई अब शुरू हो गई है, और हमें अगले हफ्ते 10 दिन में उसका जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। डिस्ट्रिक्ट में सर, जो वाटर सप्लाई स्कीम्स जो है वो ऑलमोस्ट डिफंक है, डिपार्टमेंट की हम बात करें, उन्हें बार बार रिक्वजिशंस डाल के, अक्सर भी जो आम लोग कहते हैं शिकायत, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग काम नहीं करते हैं। वाटर सप्लाई स्कीम्स ऑलमोस्ट अपर एरियाज में तो पूरा डिफंक्ट है। वही इशू वाटर सप्लाई स्कीम्स का भी वही रहता है कि विंटर पीरियड है उसके अंदर थोड़ी डिफंक्ट हो जाती हैं, लेकिन वही बात कि इसके अंदर भी, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स वाटर सप्लाई की लैंग्विशिंग में भी फंड हो रही हैं, तो लैंग्विशिंग में भी तकरीबन 60% जो वाटर सप्लाई स्कीम्स का मटेरियल नया है वो हमारे पास आ चुका है, स्टोर्स में हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, सिर्फ फील्ड पर उसकी इंप्लीमेंटेशन का काम आजकल चल रहा है, पर जो एरियाज में हमें ज़्यादा सीरियस कंसर्न थे वो एरियाज हमने प्रायोरिटी पे लिए, और बाकियों का काम और धीरे से थोड़ा चल रहा है, मतलब सब्सिक्वेंटली उसको लिया जाएगा। तो फिलहाल PHE बिल्कुल मॉनिटरिंग पे है, ऑन द जॉब है, और हमारी कोशिश है कि जितना जल्दी हम कर सके उसके ऊपर काम करेंगे। हमारे यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, 2014 में जितने भी ऑलमोस्ट जो कैबिनेट अप्रूवल भी मिला सब सेंटर्स को, उनमें कोई भी काम नहीं हो रहा है। हालांकि जो अब लोग हैं जिनको रेंट, जो रेंटेड बिल्डिंग्स उनकी थी, उन्होंने तो अब उनको घरेलू इस्तेमाल किया है, जो भी वहाँ पे साज सामान है उसको ख़राब कर दिया है। 2 स्टोरीज हम ही ने की हाल ही में छमपुरा और दीदीकूट में, तो उसके बारे में तो सर या तो डायरेक्शंस होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट तो बिल्कुल उसको इनिशिएट नहीं कर रहा है। देखिए जी, डिपार्टमेंट्स जो हेल्थ ऑब्वियसली इंडेंडिंग डिपार्टमेंट है, लेकिन एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज अलग अलग रहती हैं। किसी केस में JKPCC कर रहा है, हेल्थ की बिल्डिंग्स में सीकॉप और हाउसिंग बोर्ड भी काफ़ी इन्वॉल्व है। हमने हाल ही में पिछले वीक रिव्यू किया था, तो तकरीबन 15 हैं जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हमारे बन रहे हैं, और पिछले 2 महीनों में तकरीबन 20 का काम कंप्लीट हुआ है। तो काम डेफिनेटली हेल्थ की बिल्डिंग्स पे भी ऑन प्रायोरिटी ही चल रहा है। आज भी हम, मैं और AD साहब, SDH कुपवाड़ा का ही रिव्यू करने गए थे, क्योंकि नई बिल्डिंग को टेक ओवर करने का काम उस पर चल रहा है। तो हेल्थ को बिल्कुल हमने टॉप प्रायोरिटी दी है। तो जो भी आपने बताया कि जो भी लेफ्ट ओवर काम है, जब पहले से जो टेक ओवर नहीं हो पाए थे वेदर की वजह से, उन सभी पे हमने अब काम इनिशिएट किया। मैं एम्प्लॉयज की भी बात कर रहा हूँ कि जो 2014 में जिनको अप्रूवल भी मिला, कैबिनेट अप्रूवल नए सब सेंटर्स पे, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज ही नहीं है, मतलब काम ही नहीं हो रहा है। एम्प्लॉयज़ के लिए जहाँ तक बात है, एम्प्लॉयज़ की 2 तरह से रिक्रूटमेंट होती है। कुछ रिक्रूटमेंट्स जो नेशनल हेल्थ मिशन की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल सोसाइटी करती है, कुछ की स्टेट लेवल सोसाइटी करती है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में है, तो पिछले 1.5 महीने से हमारे ये रिक्रूटमेंट प्रोसीजर रुके हुए हैं, 2 महीने से तकरीबन। तो 23 मई जैसे ही आएगी, उसके बाद से हमारी एडवर्टीजमेंट फ्लोट होनी शुरू होंगी। हमारे ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट्स, फाइल पे अप्रूवल सब रेडी हैं, पर मॉडल कोड के खत्म होने का हम सब इंतजार। आखिरी सवाल सर, ये जो भी हमारे एक्सट्रीम बॉर्डर एरियाज है, अगर हम केरन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट से उनकी करना आती है, जब उन्हें इलेक्शन कार्ड लेने होते हैं तो वो उनको टंगडार जाना पड़ता है, परमिशन का इतना ज्यादा इशू रहता है कि आपको करना जाने के लिए केरन कॉन्स्टिट्यूएंसी को और ज्यादा परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब कोई ऐसा हो सकता है कि इसके लिए को कम से कम परमिशन तो कम हो जाए, इतना ज्यादा भारी? ये आपने बात हमारी नजर में लाई है। मैं भी लास्ट वीक जब करना गया था SP साहब के साथ, तो ये बात वहां पर भी उठी थी कि केरन लोगों को इस तरह की दिक्कत आती है। उसके लिए प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने के लिए
हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये डिसीजन मेरे लेवल पर होने वाला नहीं है, सरकार के लेवल पर होने वाला डिसीजन है, पर चूंकि ये बात सीरियस है और बहुत से लोगों को इससे परेशानी ज़रूर हो रही है, तो कुछ इस पर प्रोसीजरली कुछ जो हल निकाल सकते हैं उस पर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर।